अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है, मज़े में होंगे। आज बताने जा रहा हूँ मैं आपको पिस्टन की रिंगें 2.5 KV की या 5 KV जनरेटर की कैसे रिंगें बिठाएं आप। बैठती तो बहुत मुश्किल से इसका गिलास आता है, गिलास से बैठते हैं। तो मैंने इसका जुगाड़ बनाया है, आपको भी बताऊंगा कि जुगाड़ कैसा है, कैसे बनाया, क्या इस्तेमाल हुआ। और इतना मुश्किल जुगाड़ नहीं है, पैसे भी कम खर्चा होंगे और आपका जुगाड़ भी बन जाएगा और रिंगे भी आपकी आराम सुकून से बैठेंगी, आपको तकलीफ भी नहीं होगी आराम सुकून से, ना हाथ कटेंगे ना कुछ ना कहाँ, एकदम सुकून से आपकी रिंगे अंदर गिलास के अंदर आराम सुकून से बैठ जाएंगी। तो चलते हैं, आपको मैं पहले पिस्टन बिठा के दिखाता हूँ। ये पिस्टन है, तो इसमें रिंगे लगी हुई हैं। तो पिस्टन डाल दिया मैंने, आगे चलते हैं। पिस्टन तो ये जुगाड़ बनाया मैंने, तो खोलते हैं इसको, इसके साइज का लाते हैं। पहले आपने रिंगे अपनी जगह पे कर लेनी है जहाँ पे रिंगे आती हैं इसकी, और ये ख्याल रखना है जहाँ पे रिंग का ये गैप होगा ना, ये वाला गैप रिंग का, इधर आपने इस जगह को नहीं रखना है। ओके, थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, कोई मसला नहीं है। और लुब्रिंग कर देनी है ऑयल की इसमें, गिलास में भी ऑयल की लुब्रिंग हो जाएगी। पहले इसको फुल टाइट करने, फिर लूज करना है आपने, फिर इधर मारना है। आराम सुकून से आपकी पिस्टन अंदर बैठ गया। तो आपको बताता चलूँ मैं, इसको अब साइड पे कर देते हैं, अब इसकी तरफ आ जाते हैं। ये है सिंपल सा जुबली क्लिप, 5 इंची का ये जुबली क्लिप है, और बड़ा लिया मैंने क्योंकि 5 KV जनरेटर के भी बिठानी पड़ती हैं रिंगें, तो इसलिए उसका बड़ा पिस्टन होता है, और कभी गाड़ियों का भी बिठाना पड़े तो उसमें भी ये मदद देते हैं। गाड़ियों की भी आप आराम सुकून से इससे रिंगे बिठा सकते हैं। और ये है, इससे आपको कुछ याद आए, बच्चों का दूध का डब्बा है। और ये मैं आपको बताऊं कितने MM का मैंने रखा हुआ है, ये है, आपको नज़र तो आ रहा होगा, यहाँ तक। इससे बड़ा भी रख लें, इससे छोटा करना हुआ, पर इससे छोटा नहीं करें, इससे बड़ा रखें। बड़ा इतना भी बराबर रहेगा, इतना भी बहुत है, क्योंकि रिंगे बस इतने से गैप में आती हैं, इसकी रिंगे तो इतनी हैं, इधर तक आ रही हैं, से बड़ी होंगी तो बस कोई मसला नहीं। पर इसको जब भी आपने रिंगे लगानी हो, बिठानी होंगे ना, इसको सबसे नीचे रखना है आपने, ये सबसे नीचे होगा टॉप पे, जैसे
ये सबसे नीचे होना चाहिए, नीचे टच हो गए बस। और ये डब्बा लेने हैं आपने, ये वाला। अगर आपको काट इसको बिल्कुल राउंड निकाल लें, बिल्कुल आपने इसकी शीट को राउंड निकाल लें, कटर प्लास से इसको खोल लें। अगर आप राउंड एक साइड मैंने पूरी इसकी ऐसे खोल ली है, देखें बिल्कुल ऐसे करके एक साइड। अभी भी ये इस पर कोडिंग है, उस कोडिंग को ऊपर करेंगे। और हाँ, पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ये काम करने से पहले ग्लव्स पहन लेने, क्योंकि मैं आपको खाली ये खोल के दिखा रहा हूँ। फिर आपने कटिंग तो इसकी खुद ही कर लेनी है, क्योंकि कटिंग का मैं आपको खाली बताऊँगा। ये देखें, इसने आपने ये राउंड खोल लिया, ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा। फिर यारा राउंड इस तरीके से, जिस तरीके से ये आपने निकाला उस तरीके से आपने ये भी निकालना है। फिर उसके बाद जब ये भी निकल जाए, फिर उसके बाद आपने यहाँ से कैंची से कटिंग करनी है। यहाँ से कैंची से आपने इसकी कटिंग करनी है पूरी वहाँ तक। फिर ये राउंड में आ जाएगा बाहर आपके पास, फिर इस राउंड में आ जाएगा। ये छोटा हो गया क्योंकि मैंने पहले इसी से निकाला था। फिर आपने स्केल लेने, जितना आपको यूज़ करना है 4 तक कर लें, इतना। फिर आपने अंदर रखने, निशान लगा दिया। फिर उसके बाद आपने बिल्कुल बिल्कुल टेढ़ा पेढ़ा नहीं, बिल्कुल स्केल की सीध में इसको काटना है आपने। उसको भी स्केल की सीध में काटने, जो ऊपर वाला हेड होगा ना उसको आप मसला नहीं है स्केल की सीध में काटें ना काटें, जो नीचे जो सिलेंडर पे लगेगा वो आपने बिल्कुल सीधा स्केल की सीध पे काटना है, बिल्कुल स्ट्रेट। सही है, ये आपका आ जाएगा बाहर, ये आपके हाथ में आ जाएगा कट के। फिर आपने इसके जो साइडें, ये साइडें बनानी है इस तरीके से। और आपने पूरा ये जो है, ये मैंने बिल्कुल हेमरी पेपर से फाइल किया है, पॉलिश किया हुआ है, आपका हाथ नहीं कटेगा इससे। बिल्कुल आपने इसको हेमरी पेपर मारना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके हेमरी पेपर मार के, क्योंकि इससे जब आप हेमरी पेपर नहीं मारेंगे तो फिर आपका हाथ कटेगा, क्योंकि इसके बिल्कुल धार बन जाएगी तो फिर आपकी हाथ कटने का ख़तरा है। तो फिर आप जब इससे हाथ कटेंगे फिर जाहिर सी बात है आपका नुकसान ही है। तो आपने इसको बिल्कुल हेमरी पेपर से फाइल करना है, बिल्कुल गोल इसकी गुलाई बन जाएगी, इधर से भी अंदर से भी गुलाई मार देनी है इसको भी। जब ये बन जाए फिर आपने राउंड करना है। आप 3 इंची का ले लें, अगर आपका 2.5 kV का जनरेटर है तो 3 इंची का ले लें, 3 इंची का भी चलेगा। मेरे पास है 5 इंची का, और बस इसको ऐसे रखना है। और पिस्टन आपने लिया पहले, अपनी इस स्ट्रेट रिंगे सही कर दें, जहाँ आपने रिंगे
आपने बिल्कुल रिंगे रखनी है, और ख्याल से याद रखना जहाँ रिंगों का कट होगा उस जगह पे इसको नहीं रखना है, उस जगह पे इसको नहीं रखना है। यहाँ पे रिंगों का ये वाला कट होगा ना, ये वाला गैप, ये गैप इधर इसके आगे नहीं रखना है, आगे पीछे कर देना है इसको बस। फिर ये रख दिया आपने पिस्टन, ऊपर से ये लगा देना है, फिर टाइट कर लेना और आराम सुकून से आपका पिस्टन अंदर चला जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब, जो हमारे चैनल पे नए आए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको वीडियो वाकई में बहुत अच्छी लग रही है तो आप मुझसे, जैसे कि आपको कोई एडवाइस चाहिए तो मैं आपको एडवाइस भी बता सकता हूँ, एडवाइस भी दे सकता हूँ। तो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।